तो आज है रोनी की डे 4 की वीडियो। इस वीडियो में आज हम लेके चलेंगे रोनी को बाहर और बाहर देखेंगे जो कमांड्स हमने अभी इंडोर सिखाई है उनको बाहर प्रैक्टिस करेंगे। बीच में कुछ दिन प्रैक्टिस करी एक दो दिन, तो आपको भी वैसे ही करना है और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया है और बाहर जाके इसकी हैबिट में क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उन चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे। और चलते समय जैसे ये बाहर जाओ तो ये लीश जो है ना, जब भी हम लेके चलेंगे तो ये मुंह से पकड़ता है लीश, जैसे कूद के जंप करना ये सब सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को भी दूर करेंगे। ये इनसे मिलिएगा, ये हैं मिस्टर शांतनु और ये इनके ओनर हैं रोनी के, और इन्हीं यही अब तक इसको ट्रेन कर रहे थे हमारी वीडियोज़ के थ्रू और अब मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ और इसके बाद ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो बाकी चीज़ें ये बताएंगे कैसी हैबिट है क्या है। एक तो यही प्रॉब्लम है मेन, ये जो चीज़ों को पकड़ता है लीश लेके ही चलता है, सबसे बड़ी तो इसकी बाइटिंग हैबिट ये है। चीज़ भी आज दूर करेंगे और बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएंगे और बताइएगा प्रॉब्लम जरा क्या क्या हो रही है स्टार्टिंग में आपको। सबसे अभी बड़ी तो इसकी है बाइटिंग हैबिट, ओके ठीक है। दूसरी है जब जैसे मैं लंच कर रहा हूँ डिनर कर रहा हूँ तो ये बार्क करता है, ओके ठीक है। और तीसरी है जब मैं जैसे वॉक करने लेके गए तो लीश पकड़ के करेगा, ये खुद हमें डायरेक्शन देगा कि मेरे को लेके चलो, लाइक वो मतलब नॉर्मली वॉक नहीं करता है, तो वो जो डिसिप्लिन है वो सब अभी हाँ ठीक है, डिसिप्लिन की ट्रेनिंग हो जाएगी। बाकी नॉर्मली तो मैंने सारी चीजें जो अब जैसे खाना खाने वाली है जो सारी वीडियो की कैसे इसको टेबल मैनर्स सिखाने हैं क्या सारी चीज़ें वो भी मैंने वीडियोस अपलोड तो कर रखी है, बट इस सीरीज में फिर से हम एक बार ट्राई करेंगे नए डॉग के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और नए सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप जो लोग भी देख रहे हैं तो बने रहिएगा पूरी सीरीज में और इसकी जल्दी जल्दी वीडियोज आ रही है, एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के वीडियो आ जाती है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है बता दिया जाता है कितने दिन प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए लेके चलते हैं बाहर, अभी देखते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, खींच के बहुत चलते हो यार, तो यही प्रॉब्लम तुम्हारी दूर करनी पड़ेगी। देखो ये मोस्टली लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है, जिसके साथ आ रही है वो कमेंट करके बताए, देखते हैं कितने हैं इस प्रॉब्लम वाले और किसको सॉल्यूशन चाहिए। और इससे भी आपको प्रैक्टिस करनी है आज वाली वीडियो से, उसके बाद देखना है नया कुछ होता है फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो रोनी बेटा बाहर चलो, गुड बॉय, ऐसे भागते हुए ये देखिए ये प्रॉब्लम आती है, ये देखो ये अपनी मर्जी से उधर भागने की एक्साइटमेंट, ये भी चीज़ आज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे सुधार लाएंगे। तो आप बने रहिएगा सीरीज में तभी आपको मिलेगा इसका पूरा फायदा, ऐसा नहीं है एक दिन में एक चीज़ सीख जाए क्योंकि ट्रेनिंग है ये ना कि कोई जादू, तो टाइम जितना लगेगा उतना तो लगेगा ही। पूरी सीरीज में बहुत काम की छोटी छोटी बातें कहाँ पर मैं बोल दूँ वो कुछ नहीं पता, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तभी उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। वैसे तो जो रटी हुई चीज़ें वो बातें अलग होती हैं, और आपको ऐसे सुसु पॉटी की ट्रेनिंग देनी है घर से अगर निकालोगे खाना पीना खिला के तब भी कर लेगा, शायद इसकी लैंग्वेज ऐसी करेगी जैसे पूछ उठा रहा है और इधर तो सूंघता हुआ चल रहा है, शायद ये पॉटी करेगा। पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है मिस्टर योगेश कुंतल जी को, उन्होंने पूछा था कि 3 महीने का डॉग है बार बार बाहर लेके जाओ तो सुसु पॉटी सुसु करता है बार बार जाने से, तो इस एज में ये प्रॉब्लम रहती है। डॉग का जो ब्लेडर है यूरिन ब्लेडर बहुत ज़्यादा वीक होता है तो उस समय होल्ड नहीं कर पाता है बहुत देर के लिए, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप बस ट्रेनिंग प्रैक्टिस में रखिएगा उसको, बार बार सुसु पॉटी के लिए बार बार निकाल दो, जितने टाइम बताया उतने टाइम निकालिएगा 3 टाइम, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, एक टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब पार्क में ले आएँ रोनी को और यहाँ पे थोड़ी इसकी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करेंगे जो उसको पहले सिखाया है, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद फिर नया स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। रोनी बॉय, रोनी गुड बॉय, नो सिट रोनी, लुक एट दिस रोनी गुड, थोड़ा सा अटेंशन अब पहले से ज़्यादा अच्छा करने लगा है, जैसे उसे देखा रोनी बोलने पर नाम पर रिस्पॉन्स कर रहा है, गुड बॉय उसको ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो एक तो इसका अटेंशन सही हो गया, रोनी रोनी कम, थोड़ा ग्रास में डॉग ऐसा करते हैं स्टार्टिंग क्योंकि छत पे थोड़ा इसने प्रैक्टिस करी तो छत पे इतने ऐसे थोड़ा अच्छे से करने लगा था, अब क्या है ग्रास वाले एरिया में थोड़ा सूंघते हैं या नई चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको एक ऐसे सरफेस पे ले लेना है। नो रोनी, अब जैसे पुलिंग की प्रॉब्लम आती है तो स्टार्टिंग पपी को बस आपको छोटी सी दिक्कत है, बस 180 डिग्री पे एकदम रिटर्न मतलब यू टर्न ले लेंगे आप, जैसे ये खींच रहा था अभी जैसे ऐसे चलो खींचेगा नो फिर आप वापस हो लो, ये कितनी भी देर लग जाए आपको वो चलने का तरीका उसका सही हो जाएगा। नो बॉय नो रिलैक्स, टर्न जब भी खींचे 180 डिग्री पे एकदम से घूम जाओ, गुड थोड़ा सही चला, गुड बॉय शाबाश, लुक एट दिस रोनी गुड शाबाश, उसको बीच बीच में ट्रीट कर दो, स्टॉप सिट गुड बॉय गुड कम हियर लेट्स गो गुड बॉय। थोड़ी लीस ट्रेनिंग की प्रॉब्लम भी ऐसे सॉल्व हो जाएगी जब भी लगे आपको, ऐसा नहीं है कि स्पेशली देना है, जब भी आप वॉक करा रहे हो खींचे तो उसको आदत में लेके आना है, स्पेशली इसकी ट्रेनिंग नहीं करनी होती, लीश की आदत में लाना होता है अपनी और डॉग की कि आपको कैसे चलना है, टर्न टर्न और जब भी घुमाएंगे बोलना है टर्न गुड बॉय स्टे स्टे सिट
ऐसे वर्ड्स का यूज करना, ये नहीं परवाह करनी कि डॉग सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है स्टे, जैसे स्टे इसको नहीं पता है, बट आपको पता है स्टे पे रुकना होगा, तो उसको इशारा दिया जाता है स्टे का और फिर रोका जाता है, रुक जाए तो ट्रीट करना है, ठीक है। स्टे, गुड, सिट, जब बोला आपने स्टे तो उसको लगा थोड़ा सा दिमाग में, जब वो रुका तो गुड बॉय बोला और ट्रीट कर दिया बैठा के, ठीक है, उसको समझ में आ जाता है। एक टाइम के बाद प्रैक्टिस करते हैं, स्टे बोलते हैं तो मैं रुक जाता हूँ और मुझे ट्रीट मिलती है, तो वो खुद ही करने लगेगा धीरे धीरे। कम हियर बॉय, कम, हील, स्लो स्लो, तेज चले तो स्लो, इस तरीके के वर्ड आप यूज करते रहो, जिससे क्या होता है कि उसको पता रहता करना। टर्न टर्न, गुड बॉय, गुड बॉय, शाबाश, टर्न, नो, जब भी ये पकड़ने की कोशिश करे इसका ध्यान भटकाना है, जैसे कि आप ट्रीट की तरफ मोल्ड कर दो, कुछ और कमांड दे दो, कुछ भी करो, नो, गुड बॉय, नो, टर्न, गुड बॉय, शाबाश, स्टॉप, सिट, गुड बॉय, सिट, वेरी गुड, शाबाश, गुड। स्टार्टिंग में तो हर बार ही ट्रीट करोगे, जिससे उसकी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता चला जाए, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट, ये नहीं है कि वो बोर हो जाए। गुड बॉय, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए आप स्टार्टिंग में ही तो फिर वो भागने लगेगा ट्रेनिंग से। स्टॉप, सिट, गुड बॉय, सिट, नो, सिट, स्टे, गुड बॉय, सिट। काफी चीजें ठीक हो रही है इसमें और वन टाइम कमांड भी आने लगा है और ट्रीट खाने का जो तरीका है वो भी सीख चुका है लगभग। तो आई होप कि आपके डॉग में भी सुधार आ रहे होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी दिक्कत है तो कमेंट में तो बताते ही रहेगा। और अगर आप पर्सनली हमसे जुड़ के सिखाना चाहते हो, अपने घर पर ही खुद से डॉग को ट्रेन करना चाहते हो, तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके व्हाट्सएप पे होती है। उसकी डिटेल्स के लिए आप हमें जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आप भी सिखा सकते हो, निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिएगा। अब बस, और आगे ट्रेनिंग में अभी बढ़ रहे हैं, तो कम है, कम बॉय। अब लास्ट टाइम हमने सिखाया था जैसे हैंडशेक, तो हैंडशेक में भी देखिए कितना सुधार आया है, बोथ हैंड से करने लगा है। स्टॉप, गुड बॉय, रॉनी, सिट बॉय, गुड, शेक हैंड, गुड, नेक्स्ट, गुड बॉय, शेक हैंड, गुड, नेक्स्ट वाला, ये वाला, नेक्स्ट हैंड, नो, बैड हैबिट, सिट। ये प्रॉब्लम अगर आए आपको तो डॉग को धक्का नहीं देना, आपको स्ट्रिक्टली सीधे खड़े हो जाना है। तो जैसे बार बार पकड़ रहा है तो आपके हाथ भी पकड़ते हो, आप हटाने की कोशिश करते हो, बैठे बैठे पोजिशन चेंज कर दो, एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाओ आप, तो वो भी अपना ध्यान हटा लेता है। सिट बॉय, गुड, रॉनी, लेट्स गो। जब ध्यान ना दे तुरंत ही डायरेक्शन चेंज करें, थोड़ा सा वॉक करा दो, वॉक का बहुत ज़्यादा रोल है ट्रेनिंग में। कम हियर बॉय, गुड, अब चलते चलते स्टे, सिट, उसको पता होना चाहिए स्टे भी क्या है, रुकना है, सिट, गुड, शेक हैंड, गुड बॉय। तो इस तरीके से सिखाते रहिएगा अपने डॉग को अपने घर पर ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर डॉग स्मार्ट, बिल स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग, बाय एंड जय हिंद।